बार बार रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा। सिक्स हो जाएगा आपका। सेवेंथ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप इतने छोटे हैं कि जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पर आंसर करने में दिक्कत हो जाएगी आपको। वी कह रहे हैं पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, तो मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ सर। जो पी क्यू आर है इनके डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या जो मैं आपके वो मैसेज बॉक्स देख रहा हूँ कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही है, मुझे बताओ बेटा पी क्यू आर जो है उनके डिफरेंट डायमेंशन है, तो क्या मैं पी क्यू आर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, यस और नो? पी क्यू आर की डिफरेंट डायमेंशन है, क्या मैं पी क्यू आर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आप ये मान के चलो कि मान लो एक क्वांटिटी तो मेरी प्रेशर है और एक क्वांटिटी मेरी फोर्स है, एक क्वांटिटी तो मेरी प्रेशर है और एक क्वांटिटी फोर्स है, दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन अलग है, तो मैं नहीं कर सकता ना उनको। अगर फोर्स फोर्स होगा, प्रेशर प्रेशर होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उनके सेम डायमेंशनल इक्वेशन होगी या सेम डायमेंशन होगा, तो हम उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ, क्या मैं इनको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो? डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो? डिफरेंट डायमेंशन से उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, यस और नो? बोलो, बताओ भाई। ध्रुविन, नैना, अभी आप क्या कर रहे थे इससे पहले? डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर रहे थे सारे के सारे, तो वो आप कर सकते हो, यस, ठीक है। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। कुछ ये ऑप्शन दे रखे हैं, दिया हुआ पी माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पी क्यू माइनस आर, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पी क्यू डिवाइड बाई आर, ये सी है। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको पी आर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ओके। और एक ऑप्शन ई दिया हुआ है आर प्लस क्यू डिवाइड बाय पी। ये कह रहे हैं कि भाई इसमें से ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर बी अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। ही इज सेइंग अबाउट मीनिंगफुल क्वांटिटी, मीनिंगफुल पूछ रहे हैं वो, सही गलत वाली बात तो यही इसमें, पर एक वर्ड इन्होंने कह दिया मीनिंगफुल, ठीक है। तो मीनिंगफुल जो वर्ड है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और उससे पहले मैं आप लोगों के रिप्लाई लेता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी, देर इज नो पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग द राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग द राइट एंड रॉन्ग, आई एम सेइंग दैट जिसको कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, असंभव है। ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन बी नहीं हो सकता, वो बताने हैं आपको, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये ध्यान रखना, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अपन आप लोग आंसर करना, मैं थोड़ा सा बताया आप लोग भी करो, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन करो, जो भी आपके विचार हैं वो आपको लगना चाहिए कि आज ये डाउट था क्लियर हुआ। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, दिस p माइनस q इज इम्पॉसिबल, दिस r प्लस q इज इम्पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट और ऐड द क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग द डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके गलत हो गए, तो ये आंसर तो आपका वैसे ही बन गया, देखते ही ये, और ये आपका जो है आंसर है इस क्वेश्चन। रही बात, आप इसमें मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, चलो ये तो डिवाइड हो रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में आप क्वेश्चन कर सकते हो सर, यहाँ तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये भी सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इसमें आप पॉसिबिलिटी कैसे बता रहे हो? तो इसमें पॉसिबिलिटी ऐसे बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं पी और क्यू को मल्टीप्लाई करूँ और मुझे आर मिल जाए, हो सकता है कि मैं पी और आर को मल्टीप्लाई करूं और मुझे क्यू मिल जाए, ठीक है, ऐसी कोई क्यू जैसी कोई क्वांटिटी मिल जाए, यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप इनका प्रोडक्ट कर रहे तो ऐसी कोई क्वांटिटी मिले
इनकी की अपन डायमेंशन जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, सेम वाली मिल जाए तो यहाँ पर तो एक पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट इन दैट केस यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि पी क्यू और आर की जो है वो डायमेंशन इक्वेशन क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग है तो आपको कोई हो ही नहीं सकता इसमें ए और पी में, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए एंड ई, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हो, मैं अभी वेट कर रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, ठीक है। और समझ में आ गया तो यस कर दो ताकि आगे और क्वेश्चन ले लूं मैं। ठीक है, समझ में आ गया तो यस कर दो, यस कर दो। कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बोलो, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन रहा है, कोई डाउट आ रहा है आपके माइंड में कि सर ये पूछना है हमें, कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं है कोई भी क्वेश्चन? नहीं है, फिर डन, आगे बढ़े फिर तो यस कर दो, यस कर दो, थम्स अप कर दो, जो भी करना हो करो ताकि कोई, या बोलो कुछ तब फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नैना, रुबिन, चिराग, आयुष, ठीक है, चलो तो फिर आगे देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है बहुत, अभी मैंने आपको सॉल्व कराया उसी तरीके से करना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व कर लेना आप लोग इसको, क्रॉस प्रोडक्ट या तो फिर अभी सॉल्व करके बता दो, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको सॉल्व करना बताई है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके बता रहे हैं। गेट क्वेश्चन आपको सेवन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये आपसे पूछना है कि टॉर्क बता दो, भाई टॉर्क जो होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। टॉर्क जो होती है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ मतलब आप जान समझ में आ ही रहा होगा आपको क्या करना है, आई जे के कर दो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो सबसे पहले आर का रखना है, तो आर का कितना जाएगा यहाँ पर सेवन थ्री और वन, ठीक है, और एफ का कितना जाएगा माइनस थ्री क्रॉस प्रोडक्ट करो। और जिस बच्चे को भाई बार 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 कह रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि अब तो इतना अपन स्टडी कर चुके कर, और अभी और इतना हो जाएगा अपने अगले हफ्ते में कि अपन रिपीट भी करना मुश्किल काम होगा, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा इसका, क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आंसर बन रहा है, डी आ रहा है क्या, डी आ रहा है या ए आ रहा है, 49 kF - 38 jK + 16 kF ए आ रहा है, तो आयुष का आ गया आंसर, नैना ने आंसर करा है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी लगता है कि मेरे से ये डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं होगा या ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा, सर करके बता दो, बोलो जल्दी बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कह रहा हो कि सर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, मैं कर दूंगा, मुझको कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो पूरी क्लास ले रहा हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट है तो बोलो, करूँ फिर उसका डॉट प्रोडक्ट, अनुज कर लोगे, अनुज अभी इससे पहले वाला एक कराया था ना मैंने आपको, हो जाएगा, ठीक है आयुष, ओके चलो फिर ठीक है। तो ये 8th क्वेश्चन आप कर लोगे। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन किस किस को आता है बोलो, 9th बताओ किस किस को आता है, 9th क्वेश्चन ये मैंने क्लास में करा रखा है आपको, 9th क्वेश्चन क्लास में करा रखा है मैंने आपको,
फिर भी किसी बच्चे को पूछना हो, हाँ ये तो आपने देखते ही कर दिया होगा अगर क्लास ली है आप लोगों ने तो। मनीषा वेरी गुड, उस दिन क्लास ली थी आपने, ओके। और कोई ध्रुविल, ध्रुविल हो जाएगा 9th क्वेश्चन, जल्दी से बता दो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर आगे जब भी पेपर होंगे तो यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे। तो 9th हो जाएगा आपका, हाँ बोलो बोलो, 9th वाला बता दो, हाँ बोलो आप, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना है ये सब चीजें आपकी असाइनमेंट कॉपी में होनी चाहिए, क्योंकि तो आगे जाके इंटरनल असेसमेंट होगा, फिर तो आप लोग जानते ही हो, मेरे को नया तो हो नहीं, आपके लिए काफी बच्चे जानते हो आप, पढ़ा रखा है आप लोगों को, मुझे फिर कुछ आगे काम की भी बातें नहीं चाहिए, जब मैंने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है तो फिर आपसे मुझे सही आपका वर्क भी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है आपको बोर्ड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, और ये वाली जो वैल्यू होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा, आ जाएगा रूट थ्री, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, अगर आप ए क्रॉस बी देखते हैं तो ये होता है ए बी साइन थीटा एंड कैप, पर यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड आएगा आपका ए बी साइड थीटा, अब इसको इसके नीचे ले आओ तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा आ गया। अब रूट थ्री कितने डिग्री पर होता है, जब देखो कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्री याद है, रूट थ्री जो है टेन थीटा में रूट थ्री कितने डिग्री पर होता है, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड तनिषा, वेरी गुड बेटा लेना, रोहित, आयुष, वेरी गुड बेटा, 60 डिग्री पर होता है। तो आप कंपेयर करो, यहाँ पर लिख दो 10 60 डिग्री, तो आपके पास थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये तो हो गई कि ए और बी के बीच का एंगल, समझ में आया तक, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया। अब बात हो रही है यहाँ पर रिजल्टेंट की, तो ए और बी का रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही होगा ना, ये पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैंने तो अपना किया हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा है, ए मॉडुलस निकालना, हाँ ठीक है यही करना है, यही होता है। तो आगे आप करोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री कितना होता है भाई, cos 60 डिग्री कितना होता है, आना चाहिए नहीं आ रहा तो सीखो रटो कुछ भी करो, cos 60 होता है 1/2, ये इससे कट जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस प्लस ab प्लस ab, और अंडर रूट को क्या लिख सकते हो 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। DA कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कराया हुआ क्वेश्चन है, मैंने उस दिन का वेक्टर की आपकी क्लास के लिए क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो वेक्टर का कराया हुआ क्वेश्चन है आपको पूछना है, ठीक है, तो मैंने सेट आ जाता हूँ, देख लो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देख लो आपको, जो कुछ पूछना है कोई क्वेश्चन है तो बताओ, ठीक है, बोलो भाई, यस कर दो, इस तरह से इसका जो है डी आएगा, ठीक है भाई। किसने पूछा था अनुज ने, अनुज थोड़ा अपन को क्या है, 11th क्लास हुई, 12th क्लास हुई है, ऐसी ऐसी क्लासेस हैं कि आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, 10th क्लास की तरह नहीं है कि आप के चलो एक यूनिट पढ़ लेते हैं उसको निकाल लेते हैं, है ना। 10th में तो क्या था, हमारे लाइन वाला पढ़ लिया अपने, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिया, तो उनका ज्यादा टच नहीं था आपस में, पर यहाँ पर हम आपको क्या है कि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको इसलिए इस तरह से स्टडी करनी पड़ेगी,
एक दूसरे से सब रिलेट है। समझ में आ गया, इरेज कर दूं भाई, हटा दूं। ओके, जो भी स्क्रीनशॉट लेना पिक लेना और ले लेना बता दें इसे। ओके चले आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी हमको लेना पड़ेगा ताकि जो इवेंट टाइम है उस टाइम में अपन अपना वर्क कंप्लीट कर लें, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है फोटोन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 10th क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फोटोन इज क्वांटम ऑफ रेडिएशन। आगे जो भी कहानी दे रखी है अभी हम लोग इससे मतलब नहीं है, आप सीधे फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूला दिया हुआ है आपको E इक्वल टू एच, सीधे फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूला दिया हुआ है E इक्वल टू एच, 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। H is a Planck constant, the dimension of H are the same as that of, okay बेटा, पहले H की तो निकाल ले अपन, H की तो पता हम अपन को, H equal to होता है E, E होता है energy, energy की यूनिट होती है जूल, U होता है frequency, frequency की यूनिट होती है 1.2 सेकेंड, ये आ गया जूल into सेकेंड, मैंने क्या बोला जूल का होता है force into distance, तो force के लिए क्या लिखेंगे अपन, m1 l1 t minus 2 फोर्स, डिस्टेंस के लिए l1, टाइम के लिए t1, यहां से आ गया m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, क्या आ गया, मैं ज्यादा जमा जमा किया, यानी मतलब जैसे आपको इधर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, ऐसा यूनिट ऑफ h, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है, देख लो। ये तो बात हो गई h की, ये तो आ गया आपका h, मैं आपके रिप्लाइज इसके बाद ले लूंगा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ एंगुलर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सारे बता दूँ, बात हो रही है लिनियर इंपल्स की, जो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, यानी कि न्यूटन इनटू सेकंड होता है, न्यूटन इनटू सेकंड होता है m1 l1 t - 2, ये हो गया t की पावर 1, ये आ गया m1 l1 t - 1, मिला लो आ रही थी इंपल्स की, ये तो री और आम है, ठीक है। बी वाली बात कर लेते हैं अपन, बी वाली बोल रहा है एंगुलर इंपल्स की, तो एंगुलर इंपल्स की बात कर लेते हैं, आई थीटा की बात कर लेता हूँ, तो फोर्स इनटू टाइम करके आप टॉर्क इनटू टाइम कर रहे हैं, एंगुलर जो होता है एंगुलर जो मोशन होता है तो उसको फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, ठीक है, तो टॉर्क आ गया, टॉर्क जो होता है टॉर्क होता है फोर्स इनटू रेडियस, तो फोर्स इनटू रेडियस इनटू टाइम, तो यहां से कहेगा न्यूटन इनटू न्यूटन इनटू सेकंड, तो न्यूटन का जगह m1 m1 t - 2, इसका m1 t की पावर 1, क्या कहेगा m की पावर 1 मोमेंटम की बात कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो किलोग्राम के लिए आ जाएगा 1 मीटर अपॉन सेकंड m1 t - 1, ये आपका मोमेंटम का है, ठीक है। बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन के लिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पी थीटा होता है, जो फॉर्म में आता है mvr, यानी किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड इनटू मीटर, हो जाएगा m की पावर 1 m की पावर 2 की पावर -1, देख लो मैं आपके टेक्स्ट मैसेज देख रहा हूँ, इसको कुछ पूछना हो देख लो लिख लो इसको, कौन सा क्वेश्चन था अपना 10th क्वेश्चन, ठीक है 10th क्वेश्चन का बी और डी आ रहा है, बी और डी नोट कर लो, टिक कर लो, जो करना हो कर लो, बी और डी आ रहा है सही आंसर, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कुछ क्वेश्चन है कुछ करना है पूछना है किसी को, हो गया सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके तनिषा नैना ओके ओके ठीक है, आगे बढ़े फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है मुझे बताओ 11th क्वेश्चन किस किस ने करा है, 11th क्वेश्चन करा है,
90 डिग्री आ रहा है, ओके देख लेते हैं अपन। आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है आपको आई के प्लस जे के, और एक आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है आई के माइनस जे के। मैंने आपसे बोला फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में करो तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए बी। ए बी क्या होता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है, ए बी क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड आप निकालो ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई के मल्टीपल का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट टू आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड निकालो तो अंडर रूट में वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर ये रूट टू आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो तो क्या सिखाया आपको, आई का आई से आ जाएगा वन, आई का आई से करोगे आई डॉट आई वन आ जाएगा, आई डॉट जे जीरो आ जाएगा, फिर ये जे डॉट आई जीरो आ जाएगा, जे डॉट जे तो वन माइनस वन कितना आ जाएगा जीरो। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दू यहाँ से तो कॉस थीटा जीरो वाला फॉर्मूला, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा जीरो, जीरो किसको होता है कॉस 90 पे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बोलो, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, किसी का कुछ क्वेश्चन कुछ बन रहा हो बोलो, सोचो कोई दिक्कत आ रही हो क्लास में है ना, तब बन जाती है दिक्कत, हो जाएगा ये बेटा हो जाएगा ना। ठीक है, और कराओ और आ जाते हैं। हाँ एक ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे पता कितने लोगों ने आंसर जैसे मुझे देखना चाहिए मैं देखा नहीं, आपसे कह रहा हूँ प्रिसाइज और एक्यूरेट दो वर्ड यूज हुए यहाँ, प्रिसाइज और एक्यूरेट, प्रिसाइज और एक्यूरेट में क्या डिफरेंस हो सकता है, कोई भी शायद ये प्रिसाइज वाला क्वेश्चन है, इसके आगे पीछे एक्यूरेट वाला भी होगा, इसके आगे पीछे एक्यूरेट वाला भी क्वेश्चन होगा, ये एक्यूरेट वाला एक होगा ये क्वेश्चन। प्रिसाइज और एक्यूरेट दो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, प्रिसाइज और एक्यूरेट में क्या डिफरेंस है, हाँ वो तो 5 mm है वो तो आंसर सही है, मैं कह रहा हूँ प्रिसाइज और एक्यूरेट में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सी है कि मेरे पास एक मेरे पास एक ये मान लो कुछ भी मान लो क्या बोलूँ बताओ, मेरे पास एक वायर है ठीक है, और उस वायर का मुझे डायमीटर मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है, मेजर करने के लिए मेरे पास एक तो सेंटीमीटर स्केल है और एक वर्नियर कैलिपर है, अगर जिनको नहीं पता वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर की एक डिवाइस होती है जिससे कि आप साइज को मेजर कर सकते हो, सेंटीमीटर स्केल की जो एक्यूरेसी है वो 1 mm है और एक्यूरेसी होता है लीस्ट काउंट, और वर्नियर कैलिपर का लिख देता हूँ मैं 0.001 mm लीस्ट काउंट, तो इन दोनों में से अगर मुझे डायमीटर मेजर करना है तो कौन सा इक्विपमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट देगा, प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा इक्विपमेंट देगा, वर्नियर कैलिपर देगा या सेंटीमीटर स्केल देगा, तो कौन देगा वर्नियर कैलिपर, ठीक है तो क्यों देगा वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर स्केल से ज्यादा है, सेंटीमीटर स्केल में क्या हो जाएगा कि अगर आपने 1.5 mm लिख दिया तो 1.5 mm अगर लिख दिया तो 5 mm जो 0.5 आ रहा है वो आपकी अनरिलायबल डिजिट हो गई,
और अनरिलायबल हो गई तो उसकी कोई मतलब है नहीं, जबकि वर्नियर कैलिपर के अंदर आप 0.001 mm तक आप मेजर कर सकते हो। तो प्रिसाइज कौन होगा? प्रिसाइज वो होगा जिसका कि लीस्ट काउंट ज्यादा है। तो अगर आप ये देखो, आप तो इसमें एक लिखा हुआ है 5 mm, एक लिखा हुआ है 5 cm, एक लिखा हुआ है 5 m, और एक लिखा हुआ है 5 km। लीस्ट मतलब होता है कम से कम, कम से कम। तो लीस्ट आप इसमें आएगा, आपके mm में आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 5 mm। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा? 5 mm। एक और जो वर्ड लिखा हुआ है वो है एक्यूरेट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक और वर्ड लिखा हुआ है एक्यूरेट। अब एक्यूरेट का मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं कि इसका डायमीटर जो है वो 5 mm का है, जो वायर है उस वायर का डायमीटर है 5 mm का, और मुझे ऑप्शन दे दिया 4.986, 4.98 दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया 5.78, एक ऑप्शन दे दिया 4.26, और एक ऑप्शन दे दिया 5.89। इनमें से एक्यूरेट कौन सा आंसर होगा? ए बी सी डी कर लो, इसको ए कर देता है, इसको बी कर देता है, इसको सी कर देता है, इसको डी कर देता है। ए बी सी डी में से एक्यूरेट कौन सा होगा इनको? ए बी सी डी में से एक्यूरेट कौन सा होगा बोलो? ए वाला होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया, आप देखो आपने एक्यूरेट कैसे चेक करा। एक्यूरेट चेक करते हैं कि यहाँ आपने वो डॉट वाला गेम होता है ना, निशाना मारते हैं ऐसे करके, आपने निशाने मारे ऐसे 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 वैल्यू आ गई और एक इधर आई, तो एक्यूरेट कौन होगा? ये वाला एक्यूरेट होगा, तो ये एक्यूरेट होगा क्योंकि ये इसके बहुत पास है। तो जो मीन वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू के पास जो आपकी मेजर वैल्यू आती है वो आपकी एक्यूरेट होती है। तो यहाँ पर 4.98 एक्यूरेट है, पर प्रिसाइज क्या होती है? तो प्रिसाइज क्या होती है, देखो मैं दो डायग्राम बनाता हूँ आपको। ये आपकी, ये यहाँ आपको खेला डॉट वाला गेम देखा होगा ना, सिर्फ डॉट मारते हैं। तो देखो एक बार एक इंसान ने यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, उसके पास कितने मौके थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मौके थे। 6 तो उसने यहाँ मारे और 7 यहाँ मार दिया। 6 डॉट तो उसने यहाँ मारे और 7 तो डॉट यहाँ मार दिया। तो ये तो 6 है, ये 6 होंगे तो ये प्रिसाइज होंगे या एक्यूरेट होंगे बोलो? हाँ, मैं फॉर्मुलेस पे नहीं जा रहा, मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ। ये बोलो कि ये जो ये 6 है, ये 6 ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है? ये प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि भाई वो रिपीटेडली ही इज जस्ट पुटिंग अ डॉट हियर रिपीटेडली, सो ही इज सो प्रिसाइज फॉर दिस पोजीशन। But what is accurate? This is accurate because it is very close to your finger. ठीक है, मैं formulas पे नहीं जा रहा, बस मैं आपको एक understanding दे रहा हूँ कि भाई accurate और precise का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो I hope इतनी देर मैंने बोला आपको समझ पाया होगा। ठीक है, और मैं आगे ले देते हैं क्वेश्चन आपके, तो 12 हो ही जाएगा। 13 आप सबको आता है, pressure is equal to force upon area। किसी को आपने पैसे दिए ब्याज पे इंटरेस्ट पर, तो वो टाइम आपने ईयर्स पे लिखा होगा। जो पार्सेक और नाइट ईयर है, ये पार्सेक के नाइट ईयर वो क्या होगा? यूनिट्स ऑफ लेंथ। पार्सेक और नाइट ईयर जो है वो लेंथ की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया है इसको स्टैंडर्ड बना के इसी को आप लर्न करना, इसको सीखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा पार्सेक एंड नाइट ईयर, पार्सेक एंड नाइट ईयर जो है आपकी वो यूनिट है। तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आपने चेंज करा और मान लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको एक तो फोर्स दिया हुआ था, एक एनर्जी दी हुई थी, एनर्जी यूनिट 100 जूल।
तो 100 जूल एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो चाहे आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 100 जूल ही रहेगी। तो इसका आंसर जो है वो डी है। और डी एन आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन स्पीक, मैं अभी आपके मैसेजेस नहीं देता हूँ, मैं यहाँ से आंसर करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी का, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है वो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन को उसमें है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी है। 16th I will discuss in a next class, 17th में discuss करूँगा, अपकमिंग को क्लास दूंगा, 18th में discuss कर दूंगा, आगे 19th 20th मैं ओनली देख रहा हूँ, कोई थ्योरी वाले अगर इसमें आ रहे हैं तो, जैसे मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। 23rd क्वेश्चन है, टाइम देख लेता हूँ कितना बचा है, 5 मिनट है। 23rd क्वेश्चन है बेटा, 23rd क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ 436.32 227.2 0.301 0.301 इसको ऐड करना है तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 663.821 आएगा। ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में बताओ, तो रूल क्या होता है, डेसिमल के बाद सबसे कम कितना आ रहा है, डेसिमल के सबसे कम आ रहा है 1, तो यहाँ पर इसके आप उनको राउंडिंग करती है, तो 8 के बाद कितना रहे 2, तो 8 का 8 ही रह जाएगा, 663.8 इसका आंसर है, 663.8 इज द राइट आंसर। सी आगे समझ में, रूल पढ़ लेना सिग्निफिकेंट फिगर के, रूल पढ़ लेना सिग्निफिकेंट फिगर के, ठीक है। मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चन उठा रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट या 4 मिनट हो जाए, चलो ठीक है, तो बाकी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, मैं थक भी जाऊंगा। तो अब जो बचे हुए कितने क्वेश्चन डन कर लिए अपन ने, कितने नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए रेगुलर में बोलो, 20 तक कितने हो गए, मैं नंबर भूल गया बता दूं कि याद रहे कल, तो कल सुबह तक मैं क्लास लूंगा 9 बजे, ठीक है ना, 9 बजे उठ जाते हो ना, हाँ 9 बजे उठ जाते हो, कल 9 बजे क्लास लूंगा, कल सुबह लिख देगा मैं आपको, और इसके बच्चे को क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन हो गए मुझे क्वेश्चन नंबर तक लिख के बता दूं, कितने क्वेश्चन नंबर तक हो गए, प्रिसाइज वाले तक हो गए ना, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन से, कितने क्वेश्चन नंबर हो गए यार, मुझे ओपन करनी पड़ेगी शीट, बच्चे ज्यादा टाइम कम होता है ना, तो स्टूडेंट को ज्यादा टाइम नहीं मिलता इधर उधर होने का,
तो एक मोटिव होता है, उस मोटिव के हिसाब से मैं टाइम देता हूँ। मैंने ऑटोमेटिकली टाइम 45 मिनट कर दिया था, है ना। तो मैंने जो वहाँ लिखा है, मैंने आपको, आपने देखा होगा कि मैंने 40 और नंबर जो मेरा रिमार्क है वो एक बार आप देख लेना, है ना। तो डेफिनेटली टाइम करेंगे ज़्यादा, या फिर मैं क्वेश्चंस का रेशियो इस तरह से रखूंगा कि अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी हो तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप डायरेक्टली टिक कर सकते थे, ठीक है। चलो थैंक यू, फॉलो कर लेते हैं क्लास मॉर्निंग में और बच्चे को क्वेश्चन करें।